आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी मानव कल्याण पर प्रभाव के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसको किसने बनाया था, तो मेंडलीव ने बनाया था। कब? 1869 में उन्होंने बनाया था और 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनेस्को ने क्या किया है, इसे अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। और अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने की वजह से 2019 में बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं इस संबंध में मेंडलीव की आवर्त सारणी और उसका मानव कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मेंडलीव के द्वारा 1869 में रासायनिक तत्वों के संगठन एवं विन्यास के लिए एक पद्धति दी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एवं रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर क्रमायोजित किया गया है, उसी तरीके से व्यवस्थित किया गया है। रासायनिक तत्वों की जो आवर्त सारणी है, एक ऐसा साधन है जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी एवं शेष ब्रह्मांड पर पाए जाने वाले पदार्थों के रंग रूप गुणधर्म आदि का आकलन करने के लिए उनको योग्य बनाता है, सक्षम बनाता है। आवर्त सारणी ने मानव को पृथ्वी पर उपस्थित रासायनिक तत्वों को, जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व हैं, उनको प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मदद की है। आवर्त सारणी में क्या है कि उन सभी ज्ञात एवं अज्ञात तत्वों का व्यवस्थापन है जिनसे हमारे आसपास की वस्तुओं का एवं ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, समस्त तत्वों को लिया गया है। आवर्त सारणी की मदद से वैज्ञानिक जो होते हैं उन तत्वों की खोज करते हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या हुआ, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि मानव कल्याण पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो मानव कल्याण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, विभिन्न क्षेत्र है मानव कल्याण के लिए, उनमें से सबसे पहला जो क्षेत्र है जिसके बारे में बात करना है वो क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो तत्व है आवर्त सारणी के, जैसे सिलिकॉन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सिलिकॉन हम लोग जानते हैं कि सोलर जो पैनल होते हैं उसमें किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है, और सिलिकॉन की वजह से ही सोलर एनर्जी को हम लोग विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं और उपयोग कर पाते हैं। दूसरा नाभिकीय ऊर्जा जानते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और वो क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम वगैरह है, इनका उपयोग हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग जाते हैं कि मैक्रो और माइक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनके बारे में अलग अलग आप लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं, जान सकते हैं। और इसके अलावा जो मैक्रो और माइक्रो है, विभिन्न तत्वों का जो उपयोग होता है वो किसमें, उपचार में होता है। कौन से तत्व, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका उपयोग हम लोग उपचार में करते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, आयोडीन हो गया, यूरेनियम हो गया, सोडियम हो गया, इनका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, विभिन्न रोगों के उपचार में करते हैं। इसके अलावा स्कैनिंग में आज के समय में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हुआ है। स्कैनिंग में जो बॉडी को स्कैन किया जाता है उसमें किसका उपयोग होता है, रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग होता है, उनसे निकलने वाले विकिरणों का उपयोग होता है। तो ये भी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य में कौन, मतलब हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है उसको जानने के लिए रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है, उनके विकिरणों का उपयोग किया जाता है। ये हो गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में जो तत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है, उर्वरक के रूप में इनका उपयोग होता है। और हमारे जो कृषि प्रधान देश है उसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, किसकी वजह से, इन्हीं तत्वों की वजह से, जो हम जान सके हैं, जिनके गुणों के बारे में, गुणधर्मों के बारे में हमको कहां से पता चला, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी से पता चला, जो किसने बनाया था, मेंडलीव ने बनाया था 1869 में। अब बात करते हैं उद्योग की। तो उद्योग में जो फैक्ट्रीज हैं वहां सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है, बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारे तत्व हैं, धातु तत्व जो होते हैं, तत्व की बात करेंगे तो तत्व जो है, आयरन हो गया, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बहुत सारे तत्व हैं और ढेर सारे तत्व हैं। तो ये तत्व जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे सोडियम को ले लीजिए, तो सोडियम से बनने वाला सोडियम क्लोराइड नमक, ये हमारे शरीर के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नमक के बिना खाना खाना कितना अच्छा लगेगा आप अच्छे से जानते हैं। फिर कैल्शियम के बारे में जानते हैं, कैल्शियम से कैल्शियम कार्बोनेट बना लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसका उपयोग भी होता है।
सोडियम के साथ हो, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। आयरन, आयरन का उपयोग रॉड सरिया इनमें होता है, आयरन का उपयोग लगभग सब जगह होता है, इसको भी आप समझ सकते हैं। सल्फर हो गया, पोटेशियम, तो उद्योग में बहुत सारे तत्वों का उपयोग होता है। इन सब तत्वों को आप बता सकते हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन में मानव कल्याण में इनका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है मिश्र धातु, तो हम लोग जानते हैं मिश्र धातु यानी दो विभिन्न प्रकार के जो धातु हैं उनसे मिलकर एक नई धातु मिश्र धातु बनाई जाती है, जिसमें नए गुण होते हैं। तो ये गुण जो होते हैं ज्यादा अच्छे होते हैं, पीतल, कांसा, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलम, ये बहुत सारे मिश्र धातु हैं और इन मिश्र धातुओं का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। मिश्र धातु कहां से बने? धातुओं से बने, तत्वों से बने। और ये तत्व कहां से? इन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर कहां रखा गया है? अवर्त सारणी में रखा गया है। इसके बाद उत्कृष्ट धातु है, उत्कृष्ट धातु जो है सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये बहुत कम बाहर रिएक्ट करती है, तो इनका उपयोग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पूरे समय करते हैं, और ये इनमें संक्षारण नहीं होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका संक्षारण नहीं होता है या बहुत कम होता है, जिस वजह से ये उत्कृष्ट धातु हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सोने का इंपॉर्टेंस तो आप लोग अच्छे से समझते ही हैं। इसके बाद थोड़ा सा बात है कर लेते हैं, भूमिगत तेल, गैस, पाइपलाइन जो होता है इनमें छेद जब हो जाता है तो इनको सुधारना बहुत कठिन होता है। तो इसमें सुधार के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग करते हैं। ये जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं इनका उपयोग करके हम छिद्र का पता लगाते हैं और छिद्र का पता लगाने के बाद उसमें सुधार कार्य भी करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं आवर्त सारणी में, बहुत सारे तत्व हैं, ये तो कुछ उदाहरण है। आवर्त सारणी में बहुत सारे जो तत्व हैं लगभग 118 तत्व, इन सब का उपयोग दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तत्वों का उपयोग ज्यादा होता है, कुछ तत्वों का उपयोग कम होता है। तो जिनका उपयोग ज्यादा है उनके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा कर लिए हैं। और ये सभी तत्व हमारे दैनिक जीवन को बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं और हमारे मानव कल्याण के लिए इनका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। तो